फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन जी सच देट आर टू आर, जी एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, इसे डिफाइन किया गया है इस तरह से, ठीक है। एंड तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, फॉर ऑल सच जी। अच्छा, जी एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, एक काम करते हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं जो इन्फाइनेटली डिफरेंशियल होगा। एक काम करो, एक कॉन्स्टेंट ले लो, जी एक्स इक्वल्स टू वन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यू जी एक्स कमा वाई वन बाई वाई एंड लिमिट क्या है माइनस वाई टू वाई, माइनस वाई टू वाई एंड जी क्या है जी एक्स प्लस टी क्या होगा वन होगा, तो वन डी टी। अच्छा, अगर आप हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टी को करेंगे तो होगा टी। अब लिमिट पुट करो, टी का लिमिट माइनस वाई टू वाई वन बाई वाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो वह होगा वाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो होगा माइनस ऑफ माइनस वाई, तो यहाँ पे होगा वाई प्लस वाई होगा टू वाई बाई वाई मीन्स टू, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसे अगर हम y के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वन ना लेके x लेंगे, हाँ मैं x लेता हूँ, जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जी एक्स प्लस टी क्या होगा x प्लस टी, ठीक है। अच्छा, इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x प्लस टी का होल स्क्वायर, तो x प्लस टी इसका होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, वन बाई वाई एक्स प्लस टी, टी के जगह आप सॉरी एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर है, ये है एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर एंड लिमिट है टी इक्वल्स टू माइनस वाई टू वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई का अपर लिमिट है एक्स सॉरी टी का अपर लिमिट है वाई इसका होल स्क्वायर माइनस, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो होगा, स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो होगा फोर एक्स वाई, तो वाई वाई कैंसिल, तो ये आ रहा है फोर एक्स, ठीक है। तो अब देखो, इसे जब हम वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे फोर एक्स, ये जीरो आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा वो हम यहाँ से बता नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू एक्स ना लेके मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देता हूँ, तो यहाँ पे यू जी एक्स कमा वाई इक्वल्स टू वन बाई वाई इंटीग्रल माइनस वाई टू वाई, तो जी एक्स प्लस टी क्या होगा एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, ओके। तो इसे हम अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x प्लस टी का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब बाई थ्री, होल क्यूब बाई थ्री एंड लिमिट होगा माइनस वाई टू टी का लिमिट, टी इक्वल्स टू माइनस वाई टू वाई, तो वन बाई वाई, यहाँ पे हम टी का लिमिट पुट करेंगे तो होगा थ्री को बाहर ले लेते हैं वन बाई थ्री वाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इसका होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस इक्वल्स टू वन बाई थ्री वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस होगा बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू वन बाई थ्री वाई इंटू एंड यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस वाई होगा टू वाई, तो ये वाई वाई कैंसिल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है टू बाई थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, इसे जब हम
ये क्या है, ये है यू जी एक्स कोमा वाई। यू जी एक्स कोमा वाई को पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो डेल डेल एक्स ऑफ यू जी करेंगे तो होगा 2/3 इंटू 3x स्क्वायर को करेंगे तो होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x, वाई स्क्वायर को करेंगे तो होगा 0, 3 कैंसिल, ये वो आ रहा है 2 इंटू 2x मतलब 4x, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 4 होगा, तो डेल 2 डेल x 2 यू जी इक्वल्स टू आ रहा है 4, ओके। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 1 बाई वाई डेल यू जी डेल वाई, ठीक है। अच्छा तो काम करो, डेल यू जी डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 2/3, 3x स्क्वायर को करेंगे तो होगा 0, y स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2y, ठीक है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज 1/y, दो सेट पे 1 y से डिवाइड करो तो होगा 1/y डेल यू जी डेल वाई इक्वल्स टू आ रहा है 4/2 मतलब 4/3, ठीक है। अच्छा ये भी हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, यू जी को वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आ रहा है डेल 2 यू जी डेल वाई 2 इक्वल्स टू आ रहा है 4/3, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो बोथ साइड इक्वल नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है इन दोनों को प्लस करने से इसका इक्वल होगा। अच्छा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या है आएगा, 8/3, 8/3 इक्वल्स टू ये आ रहा है 4, नहीं ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, सी में यहाँ पे दिया गया है 2/y, अच्छा तो 2/y डेल यू जी डेल वाई इसका वैल्यू क्या होगा, 2/y, ठीक है, तो बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो होगा 8/3, ठीक है। अच्छा तो 8/3 से हम 4/3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4/3, लेकिन डेल टू यू डेल एक्स टू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 4 है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ए में दिया गया है दिस प्लस दिस करोगे तो आएगा 12/3, 8/3 प्लस 4/3 मतलब 12/3 इक्वल्स टू 4, एंड 4 क्या है, इसका इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।